हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन देख सकते हो, वन विभाग से निकल रहा है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया है। इसमें आपको वनपाल और वन रक्षक की पोस्ट मिल रही है, यानी कि फॉरेस्ट और फॉरेस्टर गार्ड की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। और इसमें जो है आपको बताइए कि आपकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो पुरुषों के लिए यहाँ 163 सेंटीमीटर जो हाइट होना अनिवार्य है। आपकी जो पैदल चाल होगी वो 25 किलोमीटर की होगी। 4 घंटे में यदि आप कंप्लीट करते हो तो ही फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ आपकी पैदल चाल होने वाली है। इसके साथ फिर महिलाओं के लिए ऊंचाई की कितनी आवश्यकता है, तो 150 सेंटीमीटर जो है महिलाओं के लिए ऊंचाई की आवश्यकता होगी। ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया है। तो इसमें कैसे फॉर्म भरना होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया की अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे बेसिक जानकारी हिंदी में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आप वन और वन्य जीव विभाग द्वारा वन पाल और वन रक्षक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। तो ये वैकेंसी जो है आपको वन और वन्य जीव विभाग से जो है आपको मिल रही है। और इसमें आपको जो पोस्ट है वो कौन कौन सी मिल रही है, वन पाल की और वन रक्षक की यहाँ वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके साथ बात करेंगे वेतनमान की, वेतन आपका क्या रहने वाला है। तो वेतन आप देख सकते हो 10,000 से लेकर आपका जो इसमें वेतन स्टार्ट होगा 10,000 से लेकर 34,800 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। इसके साथ बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता क्या रखी गई है। तो 12वीं पास आपकी यहाँ योग्यता रहने वाली है। इसी के साथ बात करेंगे आयु सीमा, आयु सीमा 18 से लेके 37 वर्ष की जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें सभी राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म भर पाएंगे। ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है, आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि बात की जाए आवेदन शुल्क की, यानी कि आवेदन फीस की, तो यहाँ सामान्य श्रेणी और OBC उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये हैं, और SC ST और महिला उम्मीदवार यानी कि SC ST के ऑल कैंडिडेट्स जिसमें मेल एंड पुरुष, और इसके साथ जो महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ 200 रुपये आवेदन फीस आपको देना होगा। तो बच्चों अभी आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल के डेट में प्रकाशित हुआ है। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द फर्स्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ वैकेंसीज आपको मिल रही है। यहाँ कुछ आपको वेतन संबंधित जानकारी बताइए कि आपको कितना वेतन आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेगा। 10,300 से लेकर 34,800 रुपये ग्रेड पे आपको जो है इसमें 4,400 रुपये ग्रेड पे देख सकते हो आपको कितना ग्रेड पे मिलने वाला है अंडर यहाँ आपको बताए गए हैं रूल्स। इसके साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है, आपकी इसमें उम्र क्या हो रहने वाली है वो आपको यहाँ बताई है। इसमें उम्र ये बताई है कि 1/9/2020 को आप कम से कम 18 और अधिकतम आपकी उम्र 37 वर्ष के बीच है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोनों पोस्टों के लिए। यहाँ इसमें यह बताया है दोनों पोस्टों के लिए। इसके साथ फिर इसमें यह बताया गया है कि इसमें जो चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से छूट मिलेगी, ठीक है। चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से छूट मिलेगी। इसके साथ साथ जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप पंजाब से हैं, इसके साथ हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ जो आरक्षण अब वो नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। मेरिट लिस्ट भी आपकी जनरल कैटेगरी के आधार पर ही बनेगी, तो आपको यहाँ भी मौका है। इसके साथ जो आपको इसमें कुछ सिलेक्शन प्रोसेस संबंधी डिटेल्स बताई कि कितने आपके यहाँ जो सब्जेक्ट वाइज जो कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको यहाँ बताए गए हैं। इसके साथ बात करेंगे फिजिकल प्रोसेस में देख सकते हो आपकी जो है आपकी हाइट रहने वाली 163 सेंटीमीटर, और इसके साथ चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर टू 84 सेंटीमीटर होना है, और इसके साथ 25 किलोमीटर के पैदल चाल होने वाले 4 घंटे में, वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको जो अलग अलग भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल्स और आपका जो फिजिकल कहाँ होगा वो डिटेल्स आपको यहाँ बताएगी। सेक्टर 16 में आपका जो है इसमें फिजिकल होने वाला है। इसके साथ बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी इसमें चेंज करके आपको बताई है कि 10+2 तो आपको होना ही है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तो ही आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म निकल के आया है वन विभाग से, चंडीगढ़ से। तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप यहाँ भी देख सकते हो, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है
forest.government.in पे जाके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।